मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे क्राइम ब्रांच ने दो नाइजीरियन को 70 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों नाइजीरियन टूरिस्ट वीजा पर आकर नाला सोपारा में अवैध तरीके से रहकर ड्रग्स रैकेट चलाने का काम करते थे। 70 लाख रुपए एमडी ड्रग्स एलएसडी टेबलेट के साथ दो नाइजीरियन और एक रिक्शा ड्राइवर को ठाणे गुनेह शाखा ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को 5 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है और ठाणे गुन्हे शाखा 5 को जानकारी मिली थी कि ठाणे के इंदिरा नगर में नशीली पदार्थ बेचने के लिए आने वाले हैं और पुलिस ने ट्रैप लगाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी ली गई तो इनके पास 115 ग्राम कोकीन संग रिक्शा जिसकी कुल कीमत 70 लाख रुपये बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर विकास घोड़के ठाणे वागले गुनेह शाखा सीनियर अधिकारी ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। देखिए ठाणा के ठाणा पुलिस आयुक्त श्री जयदीप सिंह सर ने और हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने एकदम कड़क निर्देश दिए हुए हैं कि एक नार्कोटिक्स ड्रग सब्सटेंस ये ठाणा में कहीं पे भी अवेलेबल ना हो, कोई बेचने का अगर ट्राई करता है तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हम लोगों ने इसके पहले भी कड़क कार्रवाई की है और ये जानकारी हमको मिली थी कि 29 तारीख को कासा रोड रोली नाके पे बाइक होटल के बाजू में एक नाइजीरियन व्यक्ति एलएसडी एक ड्रग्स है और दूसरा कोकेन बेचने के लिए आ रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैप लगाया, उसको कब्जे में लिया। उसके बाद से हमको 32 ग्राम्स कोकेन और 15 डॉट्स एलएसडी डॉट्स मिले हैं जो कि कमर्शियल क्वान्टिटी में है। उसको हमने कोर्ट में पेश करने के बाद 5 तारीख तक उसकी पुलिस कस्टडी मिली है। साइमल्टेनियसली कल भी हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इंदिरा नगर नाके पे एक नाइजीरियन व्यक्ति कोकेन बेचने आ रहा है। हम लोगों ने वहाँ पे भी वर्कआउट किया तो हमको एक नाइजीरियन लॉरेंस नाम का नाइजीरियन आदमी इसके पास से 105 ग्राम और उसका ड्राइवर था उसके पास से 10 ग्राम ऐसे 115 ग्राम कोकेन बेचने के लिए आए हुए मिले हैं। उनके खिलाफ भी हम लोगों ने केस दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया और हम लोग अगली छानबीन कर रहे हैं। सर कुछ दिन पहले डीसीपी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जिस तरह से ड्रग्स जो है बरामद हुए जा रहे हैं बेचे जा रहे हैं ठाणे के अंदर हो या उसके आसपास के परिसर में उसमें भी गिरफ्तार हुई थी, आज आपकी तरफ से भी गिरफ्तार हुई। इन आरोपी जो गिरफ्तार किए इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले, कहाँ बेचने आए थे? मैं अभी का अगर ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज के लोग कोकेन एलएसडी ऐसे जो ड्रग्स है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है और आजकल कोकेन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग्स माना जाता है, वो बेचने के लिए ठाणे में आ रहे हैं। तो हम लोगों को इसमें अलर्ट है, हम लोग कड़क कार्रवाई करते हैं इसके खिलाफ और इसी के तहत ही कार्रवाई होगी। सर इतने बड़े पैमाने में इनके पास जो है कोकीन और एलएसडी मिला है, क्या ये कहीं और जगह पे ठाणा में बेचते थे इसका कुछ मालूमत हुई है? ऐसा है कि ठाणा में ड्रग्स अगर ये पेडलर मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, देने वाले लोग है, ज्यादा क्वांटिटी में देने वाले लोग। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इनसे माल लेके किसी को ना किसी को बेचता है, रिटेल में बेचता है, छोटे दर पर बेचता है। तो हम लोग वो नेक्सस जो है उनका जो न्याग है जो भी जिस तरह से काम चलता है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहे हैं। सर जिस तरीके से लगातार आवाज उठ रही थी हुक्का पार्लर को लेकर पब को लेकर, तो लोगों को क्या आह्वान रहोगे, यूथ को किस तरीके से संदेश देना चाहोगे? ठाणा जो मेट्रोपोलिटन सिटी है यहाँ पे बहुत सारे होटल्स लॉजेस वगैरह लॉन्जेस वगैरह है, ठीक है वो तो एक सिटी के हिसाब से होता रहता है, बट यूथ को और उनके पेरेंट्स को मेरा ऐसा कहना है कि उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे अमली पदार्थों से या ड्रग्स से खुद को दूर रखें। एंजॉयमेंट करने के और भी तरीके हैं, फैमिली के साथ में फ्रेंड्स के साथ में आप एंजॉय कर सकते हो, बट ड्रग्स से दूरी रखें, इनके झांसे में ना आए, ये हमारी मेरी सबको रिक्वेस्ट है। सर कुल कितने लाख का मुद्देमाल है और आरोपी की कस्टडी कितने दिन की? दोनों केस में मिला के 67 लाख का हम लोगों ने अभी तक रिकवर किया हुआ है। एक ही कस्टडी 5 तारीख तक है, अभी दो का पेशी आज हो जाएगी। हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं।